अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। ये देखें, आज काफ़ी दिनों के बाद आई वॉज फ्री एंड आई थॉट अबाउट कि आपको भी अपने साथ शामिल किया जाए। ये जनाब, मैं यहाँ पे ब्रेडफोर्ड में आई हुई हूँ, क्लास ले रही थी, तो हमारी जो मैम थी उन्होंने हमें 15 टू 20 मिनट्स बिफोर जो था वो छोड़ दिया, यानी क्लास लेफ्ट हो गई। तो आई थॉट अबाउट क्यों ना आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर की जाएँ। ये ब्रेडफोर्ड सेंटर है और यहाँ पर आप बिल्डिंग देख सकते हैं जो कि एंटीक भी हैं। हाँ, एंटीक्स ही हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये वन सिटी पार्क है और ये जनाब मिड में जो है ये फाउंटेन है। वैसे तो नहीं है जैसे मैंने आपको यूएसए में बना के भेजे थे, वो तो क्या बात थी, लेकिन खैर ये भी अच्छे हैं। ये देखें, यहाँ पे ये फाउंटेन है और इनके इनकी आप आवाज़ भी सुन सकते हैं वाटर स्प्लैश की। और इसके अलावा जो है वाटर स्प्लैश के साथ साथ ये जो पानी है ये बड़ा चिल है और इस तरह से बड़ी ठंडी हवा आ रही है। ये आप देख सकते हैं कि रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो भी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं और अब आप गेस करेंगे ये सारे के सारे किधर भाग रहे हैं। ये भाग रहे हैं जनाब एक ही जगह पे, यानी ब्रेडफोर्ड इंटरचेंज यानी ट्रेन पकड़ने के लिए। अगर आप ट्रेन जो है वो मिस कर लेते हैं तो इट मीन्स कि आपके पाउंड मिस हो गए हैं, बिकॉज आपने जो एडवांस में टिकट की बुकिंग करवाई हुई होती है वो आप दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। ये आप इसका यहाँ से क्लॉक टावर भी देख सकते हैं। अभी मैं आपको इसका एक और चीज़ भी दिखाती हूँ जो कि आगे आएगी। यहाँ से आप देखते जाएं, ये मिड में बड़ा फाउंटेन है। अभी आज ये इतना मज़े का नहीं लग रहा, शायद आज ये वाटर जो है वो फ्लो में नहीं है और कुछ फाउंटेन जो हैं वो वर्किंग में हैं और मोस्ट ऑफ द जो हैं वो वर्किंग में नहीं है। एक्चुअली जो ब्रेडफोर्ड है ना, आप इसको देखें, आपको बहुत सारे मुस्लिम जो हैं वो नज़र आएंगे, क्योंकि ब्रेडफोर्ड जो है इसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। और अगर आप ब्रेडफोर्ड में मूव कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप किसी और कंट्री में आए हुए हैं। यहाँ आपको पाकिस्तान जैसे बड़े लोग मिलेंगे और समटाइम तो ये मुझे फील होता है कि उनकी जो उर्दू और पंजाबी है ना, इट मीन्स कि आप कहीं यूके में आए ही नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ़ द फैमिलीज़ जो हैं वो पाकिस्तानी मिलेंगी और इंडियन मिलेंगी। तो आप कह सकते हैं कि हब ऑफ पाकिस्तानी पीपल एंड द इंडियन पीपल एंड देयर इज़ अ लेस इंग्लिश कम्युनिटी। तो हम सारा चेक कर सकते हैं ये, क्योंकि ब्रेडफोर्ड जो है ये सिटी सेंटर है, मेन है। तो यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है यू कैन सी ब्रेडफोर्ड 2025 और ये आप इसकी बिल्डिंग भी देख सकते हैं। एंड हियर यू कैन सी दैट समथिंग न्यू, जब मैं सुबह आई थी तब नहीं था बट अब है, तो देख लेते हैं। देर इज़ नो कॉन्टेक्स्ट इन विच कॉलिंग फॉर द, या देखें कि नहीं, हर जगह जो है आपको मिलते हैं। फ्री फ़लस्तीन, एंड देन अदर वर्ड इज़ गज़ा, रफ़ा। तो ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, आप यहाँ से चेक करें। यानी मुसलमान आपको हर जगह मिलेंगे और मुसलमान अपनी यूनिटी भी दिखाते हैं। ये हम पाकिस्तानी हैं जो कहते हैं क्या, क्यों और कैसे। ओके, ओके ओके ओके, 5 o'clock, थैंक यू। ओके, यू कैन सी डैट देयर इज़ एन इन्विटेशन टू अटेंड द सेरेमनी डैट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 5 o'clock, एंड आई सेड ओके। आई नो डैट इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू कम फ्रॉम मैनचेस्टर टू ब्रेडफोर्ड, बट आई विल डू माई बेस्ट। ये जनाब हम जा रहे हैं अब स्टेशन की तरफ।